अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ फैसल शौकत एंड वेलकम टू माय चैनल कोर्स प्रो। आज हम जिस यूनिवर्सिटी की बात करने जा रहे हैं वो कोई और नहीं, लाखों दिलों की धड़कन ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी। इसके बारे में हम बात करेंगे। ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी की बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी हैं और कुछ डाउन साइड्स भी हैं, लेकिन दोनों को हम कंपेयर करेंगे एंड देन ऑब्वियसली स्टूडेंट्स फिर अपने हिसाब से, अपने सर्कमस्टांसिस के हिसाब से यूनिवर्सिटी चूज़ करेंगे। इधर की उनको यूनिवर्सिटी पसंद है या नहीं पसंद, या उनको सूट करती है या नहीं सूट करती, डिटेल में बताएंगे। फीस के बारे में, उनके कोर्सेज के बारे में, इनटेक्स के बारे में, रिप्लाई टाइम कितना है, कैश कब इशू करती है, क्योंकि कैश का इशू करना इज़ वेरी क्रिटिकल आजकल, क्योंकि स्टूडेंट्स वहीं पर जाना चाहते हैं जो यूनिवर्सिटीज़ कैश जल्दी जारी करती हैं। अब सेप्टेम्बर इनटेक में और जनवरी में लोगों ने देखा कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो ऑफर लेटर तो बहुत जल्दी दे देती हैं, लेकिन जब कैश लेटर देने की बारी आती है तो बहुत टाइम लगाती हैं, आपकी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं तब तक। एनीवे, अभी हम बात करते हैं ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी की, आपको बताते हैं कि क्यों आपको ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी चूज़ करनी चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। अच्छा, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी की फ़ीस नहीं है, उनकी इनिशियल डिपॉजिट है। फ़ीस तो थोड़ी सी महंगी है मैं कहूँगा, लेकिन जो उनका इनिशियल डिपॉजिट है दैट इज़ 2,000 pounds, विच इज़ वेरी रीजनेबल। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इतना डिपॉजिट सूट करता है। फॉर सम रीज़न ऑब्वियसली साउथ एशियन स्टूडेंट्स इतने वेल ऑफ तो नहीं है कि बहुत सारे डिपॉजिट अरेंज कर सकें। अच्छा, इसमें एक नुकसान आजकल के दौर में, क्योंकि पाउंड का रेट इवन इंडिया में भी, बांग्लादेश में भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। पाकिस्तान तो खैर एनीवेज की क्या बात करें, पाउंड का रेट बहुत बड़ा है, तो आपकी जो रिमेनिंग अमाउंट होगी प्लस आपकी अकोमोडेशन विच इज़ 9,207, वो मिला के आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है पाकिस्तानी रुपीज़ में बहुत ज़्यादा बन जाती है, इंडियन रुपीज़ में भी ऑब्वियसली और बांग्लादेशी टका में भी बहुत ज़्यादा अमाउंट बन जाती है। तो ये एक बर्डन बनता जाता है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को, तो 70-80 lakh तक की बैंक स्टेटमेंट मेन एप्लीकेंट को अरेंज करना पड़ जाती है। ये एक ड्रॉबैक है, लेकिन पॉजिटिव साइड ये है कि आप सेफ सिक्योर करते हैं। आपको पता होता है कि मैं सिर्फ 2,000 pounds ही जमा कराए हैं, तो मुझे ऐसा कोई फाइनेंशियल इशू नहीं है। यानी कि ऐसा भी होता है कि आपको रिफंड क्लेम करना पड़ गया, तो आपके पास अगर और पैसे हैं तो आप दूसरी यूनिवर्सिटी में बगैर फंड का वेट किए बगैर ही अप्लाई कर सकते हैं अपने फाइनेंसेस में से। लेकिन अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी में 5,000 या 6,000 pounds जमा कराया होगा, तो ऑब्वियसली फिर आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आपको उसी यूनिवर्सिटी से रिफंड का वेट करना पड़ेगा 2-3 months, फिर आप किसी यूनिवर्सिटी की तरफ जाएंगे जिसमें आपके 2 intake भी मिस हो सकते हैं। तो ये इसका एक ड्रॉबैक था और पॉजिटिव साइड भी थी। अच्छा, फीस की हम बात कर रहे थे। फीस में एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रैडफोर्ड की, कि वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को 4,000 और इंडियंस को 3,000 तक की स्कॉलरशिप भी मिलती है। लेकिन इन दो स्कॉलरशिप्स के बावजूद, उसके अलावा कुछ कोर्सेज इंजीनियरिंग के ऐसे हैं, सो ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, कि उसमें अप टू 10,000 pounds तक की स्कॉलरशिप भी मिलती है और बहुत सारे लोगों को मिलती है। अगर आपकी 2 column 1 के इक्विवेलेंट डिग्री है, विच मीन्स कि आपके 3 CGPA से अगर ऊपर नंबर हैं, तो आपको वो स्कॉलरशिप मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस तरह की स्कॉलरशिप मिलती है ब्रैडफोर्ड की वजह से, और फिर जाके आपको इंजीनियरिंग की स्टडी बहुत आपको कन्वीनियंट लगेगी, बहुत ईजी लगेगी, क्योंकि आपके ऊपर फाइनेंसिस का इतना बर्डन नहीं होगा। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रैडफोर्ड इस हिसाब से वेरी वेल रिप्यूटेड, नो डाउट। यॉर्कशायर पूरे में अगर मुझसे आप पूछें कि आपको यूनिवर्सिटी रिकमेंड करें, तो दैट इज़ ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी, और वो मैं आगे चल के मज़ीद उसकी बातें भी एक्सप्लेन करूँगा। तो ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी के अनदर जो पॉजिटिव पॉइंट है कि वो गैप के स्टूडेंट्स को ना बहुत अच्छे से अकोमोडेट कर लेते हैं, वो इतना एक्सक्यूज नहीं लगाते। हाँ, अगर आपने गैप को प्रॉपरली जस्टिफाई किया हो, और अगर आगे आपकी SOP भी प्रॉपरली मेंटेन्ड हुई हो कि आप क्यों, आपकी मोटिवेशन क्या है और आप क्यों ये कोर्स करना चाह रहे हैं, या फिर ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी इस हिसाब से भी बहुत बेहतर है कि अगर आप अपनी कैरियर लाइन स्विच करना चाह रहे हैं, तो भी वो आपकी SOP को देखते हुए, आपकी मोटिवेशन को, कैरियर लाइंस को देखते हुए, वो आपको इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं। यानी कि गैप भी एक्सेप्ट हो सकता है अगर आपको लॉन्ग स्टडी गैप है, और अगर आप कैरियर स्विच कर रहे हैं तो भी आपको इजीली वो एडमिशन दे देते हैं। वो इस हिसाब से ऐसा कोई उनके एक्यूजेशन सॉरी कह रहा हूँ, कोई एक्सक्यूज़ वगैरह नहीं देते कि आपको हम नहीं लेंगे, या आपको हम आपके स्टडी गैप की वजह से, या आपके कोर्स लाइन चेंज करने की वजह से हम आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। प्लस जो लोग डिपेंडेंट जाना चाहते हैं वो भी इजीली ब्रैडफोर्ड में जा सकते हैं। वो इतनी नीटी ग्रिटीज़ में नहीं जाते कि आपके डिपेंडेंट कितने हैं, उनके बच्चे कितने हैं, बच्चों की एज क्या है, माइनर है, ऊपर तो हर होता ही नहीं है, माइनर ही होते हैं सारे, तो इस तरह की कोई वो नीटी ग्रिटीज़ में नहीं जाते। आपको स्पॉज के लिए भी एक सिक्योर प्ले एरिया है ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी। अनदर पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी कि वो बहुत सारे कोर्सेज जनवरी इनटेक में भी ऑफर करते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि सिर्फ सितंबर में, बल्कि
आजकल तो मैं रिकमेंड ही वो यूनिवर्सिटीज करता हूँ जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा इनटेक्स हो, ताकि अगर आपका एक इनटेक मिस भी हो गया, विच इज़ वेरी कॉमन इन यूके, अगर आपका एक इनटेक मिस भी हो गया तो सून आफ्टर आपका सेकेंड इनटेक भी शुरू होने लगे। ब्रेड यूनिवर्सिटी में ही तो ऑफर नहीं करती, लेकिन जनवरी में बहुत सारे कोर्सेज ऑफर करती है। सो लेट्स सपोज अगर आपका सेप्टेम्बर इनटेक मिस हो गया तो आपका जनवरी इनटेक उसके साथ ही आगे शुरू हो जाएगा। बल्कि एक और बात जो मैं कैश के वाले से बताना चाहता था कि बहुत जल्दी कैश लेटर इशू करते हैं ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी वाले। अगर आपको कैश के बारे में कोई प्रॉब्लम है तो आप ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी को चूज़ करें, या फिर कोई कंसर्न हैं तो आप ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी को चूज़ करें। ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी आपको बहुत जल्दी कैश लेटर दे देगी। अच्छा, एक चीज़ जो यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेडफोर्ड के जितने भी एस्पायरिंग एप्लीकेंट्स हैं जो उसमें जाना चाहते हैं, उनको चाहिए कि वो या आइलेट्स करें या लैंग्वेज सेल्ट करेंगे तो वही एक्सेप्ट होगा, उसके अलावा और कोई एक्सेप्ट नहीं होगा। उसके अलावा पीटी ही करें, ये तीन या चार कोर्सेज इंग्लिश लैंग्वेज के वही एक्सेप्टेबल होंगे। लेकिन अनदर प्लस पॉइंट ये है कि मेजोरिटी ऑफ द कोर्सेज में आपके 6.0 विद 5.5 डिमांड किए जाते हैं। बहुत कम कोर्सेज हैं, बहुत सोफिस्टिकेटेड जो कोर्सेज हैं उनमें 6.5 विद नॉट लेस देन 5.5 डिमांड किया जाता है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द कोर्सेज में 6.0 विद 5.5 डिमांड किए जाते हैं, विच इज़ स्टिल रिजनेबल। इतनी वेल रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी अगर आपसे इतना लो आइलेट्स स्कोर मांग रही है तो आपको इसमें ज़रूर जाना चाहिए। पहले ये था कि पेंडेमिक के दौर में कि यूनिवर्सिटी जो थी वो बहुत सारे टेस्ट एक्सेप्ट करती थी, इवन के कुछ टाइम पर उन्होंने मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन को भी एक्सेप्ट किया जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होता है। लेकिन अभी आपको इन तीनों में से चार जितने भी हैं, पीटी, लैंग्वेज सेल्ट और आईलेट्स जो है एकेडमिक, यूके वी एकेडमिक्स, वही एक्सेप्ट किया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही आईलेट्स की इतनी हाई बार्स नहीं है। 6.0 विद 5.5 एक आम स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी भी है कि वो इतना मार्क्स क्योर कर सके। सो व्यूअर्स, ये थी कुछ बातें यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेडफोर्ड के बारे में जो स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए थी, और कुछ की पॉइंट्स मैंने आपको बताए। अगर आपकी कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है आपका यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेडफोर्ड को लेकर, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं, इंस्टा पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, फेसबुक पे भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको टाइमली जवाब से दे सकूँ। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।